हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के हवाले से रीडिंग होगी कि आपका जो भी कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या है, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आपका पहला कार्ड जो है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आप उस पर्सन के हवाले से कुछ कंसर्न है, जो भी पर्सन जिस पर्सन के साथ भी आपका कनेक्शन है। आप अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपकी, तो आप उस पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन का इनिशिएट लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। आपका ये भी हो सकता है कि लोग आपकी लव लाइफ पे नज़र लगाते हैं, या फिर लोगों को जैसे होता है ना, ईवल आई वाली सिचुएशन भी हो सकती है आपके ऊपर। इसके अलावा आप जो है इस रिलेशनशिप में इंतज़ार में हैं, आप जैसे कोई राह देख रहा होता है ना, वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई किसी की राह देख रहा है। एक और कार्ड लेते हैं। स्पाई कर रहे हैं आप लोग, लाइक कोई एक पर्सन, या तो आप या फिर आपका पार्टनर आपके सोशल मीडिया पर स्पाई करे आपके ऊपर, के कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, या फिर वो किसी और की तरफ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली वो आप तक कोई कोई इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, या तो आप या फिर आपका पार्टनर। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर, टावर। यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ चल रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, कोई अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप जो है वो हो सकता है इन फ्यूचर। अगर ये ब्रेकअप नहीं भी है तो ये उस गमो गुस्से का इजहार भी हो सकता है किसी की तरफ से, किसी एक पर्सन के गमो गुस्से की वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हो जाते हैं, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। या फिर कुछ लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कोई अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है उस पर्सन की तरफ से, मिल सकती है या फिर मिली है आपको। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये एक न्यूज़ है, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आई है उस पर्सन की तरफ से जिसको आप स्पाई कर रहे हैं। अगर आप अभी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, कोई न्यूज़ आप तक आई है जो जिसने आपको शॉक्ड किया है कुछ हद तक। इस सिचुएशन का, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यही हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, और आप लोग चाहते भी हैं एक दूसरे को एक स्टेबल रिलेशनशिप देना, बट यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो कि हो ऐसी हुई है कि आप उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए, वन लास्ट कार्ड। आप लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। डेफिनेटली अब सेकेंड चांस है, कोई एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, जो भी हुआ है पास में इस रिलेशनशिप में, आप दोनों ही चाहते हैं कि ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, और आप दोनों सेकेंड चांस चाहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर, अगर आप इस रिलेशनशिप में सेकेंड चांस चाहते हैं, यहाँ पर सेकेंड चांस की जो है वो जो एनर्जीज हैं वो हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी हुआ, जो भी अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के दोबारा से आप लोग एक दूसरे से बात करने लगे, या फिर दोबारा से अनएक्सपेक्टेडली एक चांस आपको मिल सकता है इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्ड करने का।
तो लेट्स सी के आपके लिए एडवाइस क्या हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से। एडवाइस क्या हो सकती है आपके लिए और आउटकम। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सो सिक्स ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली आप लोग मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। लाइक अगर पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप्स थे या कोई फाइट थी, कुछ था आप लोग के लिए रिलेशनशिप में जो जो बैलेंस नहीं था, अब आप लोग बैलेंस लेके आगे चल सकते हैं, मूव फॉरवर्ड हो सकता है रिलेशनशिप अगेन। और अभी इसमें जो है बाकी है, अगर लाइक ये रिलेशनशिप अभी चलेगा और बहुत स्मूथली चलेगा अगर आप लोग सेकंड चांस के लिए एक दूसरे के को अप्रोच करते हैं। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।